हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फ्रेंड्स आप किस तरह से अपने फेसबुक पेज से पैसा कमा सकते हो। आप जो भी फेसबुक पेज के अंदर अपने वीडियोस को अपलोड करते हो, आप उन्हें किस तरह से वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हो। फ्रेंड्स, यह फेसबुक का नया फीचर है जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है। इससे क्या होता है कि आप जो भी अपने वीडियोज है, जो आप फेसबुक पेज के अंदर अपनी वीडियोज अपलोड करते हो, आप उन्हें किस तरह से मोनेटाइज करके उनसे पैसा कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। वह जो आप जो भी वीडियो अपलोड करते हो तो अपने फेसबुक पेज के अंदर अपलोड करते हो, तो आपको जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपका जो भी पेज है, जिस पेज के ऊपर आप उस वीडियो को अपलोड करते हो, तो उसकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी कि वो एलिजिबल है या नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए। फ्रेंड्स, जैसे भी ये जो मेरा गुरुजी ज्ञान पेज है ये नॉट एलिजिबल है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमें एलिजिबल करवाना है तो हमें जो फेसबुक की चार है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसकी जो शर्तें हैं वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले तो ये है कि आप मोनेटाइज जब भी कर सकते हो अपने पेज को और अपने वीडियो को जब आपके पास 10,000 फॉलोवर्स हो, यानी कि आपके पेज के 10,000 फॉलोवर्स हो और आपके 60 दिन के अंदर 30,000 एक मिनट का व्यू आना चाहिए, पर बंदे का एक मिनट का व्यू आना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसके अंदर आपका कुछ भी वायलेशन नहीं होना चाहिए और आपकी कंट्री मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें से दो सबसे हार्ड शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी है, 10,000 फॉलोवर्स की और 60 दिन में 30,000 व्यू की, जो आपको कंप्लीट करनी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से तो आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, हमें एक अलग हम यहाँ पे वेब पेज ओपन करेंगे जहाँ पे जो फेसबुक की हम यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो के अंदर हमें लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर क्लिक करके मैंने क्रिएटर स्टूडियो में चला गया। फ्रेंड्स, ये फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो जैसे यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो है, वैसे ही फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो है। आप इसके अंदर जो लेफ्ट साइड में आप मोनेटाइजेशन का ऑप्शन देख सकते हो, आपको इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रीन आइकन देखना। अगर आपके पास ये ग्रीन आइकन नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रीन आइकन लाना है। यहाँ पे ग्रीन जब भी आएगा जब आपके पेज के ऊपर कुछ भी वायलेशन नहीं होगा, इसलिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पेज में यहाँ पे कुछ भी वायलेशन नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ पे ग्रीन ये जो ग्रीन जो गोला है वो आ रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो अपनी पेआउट सेटिंग है वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। आप अपने चैनल की जो आपका जो पेज है उस पेज के जो आपके इनसाइट्स है, परफॉर्मेंस है, अर्निंग्स है, वो सब आप इस क्रिएटर फेसबुक के क्रिएटर स्टूडियो के अंदर चेक कर सकते हो। और आपको कौन से अकाउंट के अंदर अपना पैसा डालना है तो वो सेटिंग भी आपको मोनेटाइजेशन के अंदर मिल जाएगी कि जहाँ पे आप अपने पेआउट सेटिंग को सेट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कंटेंट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो भी पोस्ट है, अभी मैंने यहाँ पे ओनली पोस्ट ही पब्लिश कर रखी है। अब हमें वीडियो पब्लिश करना है मोनेटाइजेशन के साथ, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वीडियो अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और हमें एक वीडियो लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ 3 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 3 मिनट से कम हुई तो आपका जो 60 दिन के अंदर 30,000 व्यू आपको लाना है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका 3 मिनट से ज़्यादा का ही वीडियो होना चाहिए। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, आप ऐसे बड़े बड़े वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर आपको यहाँ पे टाइटल डालना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालना है, वीडियो के अंदर टैग्स लगाने जैसे हम यूट्यूब के अंदर लगाते हैं, उसी तरह से सेम प्रोसेस है। उसके बाद हमें यहाँ पे थंबनेल सेट करनी है। आप चाहो तो आप यहाँ पे वीडियो की थंबनेल सेट कर सकते हो। अगर आपको नई थंबनेल सेट करनी है जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करके आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सबटाइटल ऐड करना है। फिर जैसे हम जो पोल्स बनाते हैं हमारे यूट्यूब वीडियो में, वैसे आप यहाँ पे पोल्स भी बना सकते हो। ट्रैकिंग आईडी है जहाँ पे आप अपना लेबल लगा सकते हो। और यहाँ पे 360 डायरेक्टर टूल्स है जहाँ पे आप अपने वीडियो को 360 मोड में भी दिखा सकते हो, इस तरह से जैसे आप नीचे इस वीडियो में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे सेट करनी है। अब सेट करने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा का है, राइट का निशान आ गया, वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया, टैग मेरा मैंने वहाँ पे टैग टाइप कर दिया, बस एंटर करना भूल गया। और यहाँ पे जो HD वीडियो है वो हमें यहाँ पे चारों ग्रीन लाना है। चारों ग्रीन लाने के बाद यहाँ पे वो सेम सेटिंग है जो यूट्यूब में आती है, जैसे अभी वीडियो पब्लिश करना है, शेड्यूल है, या हम इसे ड्राफ्ट करना चाहते हो, या फिर ये प्रीमियर टाइम के ऊपर हम इसे दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो अपनी नई प्लेलिस्ट बनाएगी, इस वीडियो को प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दो। और फ्रेंड्स, यानी कि सेम सेटिंग है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे अब पब्लिश के ऊपर क्लिक करके यह वीडियो पब्लिश कर देना है। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से तो फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे जो हमें मोनेटाइजेशन के लिए उसे जो हम यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए ऐसे वीडियो को अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने चार आइकन आ रहे हैं। सबसे पहला आइकन डॉलर का है, जैसे हमारे यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आता है, यहाँ पे अभी लिखा हुआ है नॉट मोनेटाइज
मोनेटाइज। फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट मोनेटाइज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो मेरा पेज है वो अभी फेसबुक की जो एलिजिबिलिटी की पेज एलिजिबिलिटी की जो चार से था उनमें से दो ही कंप्लीट करा है, 10,000 फॉलोअर्स और जो 30,000 व्यू 60 दिन के अंदर, वो वाली अब तक मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे मोनेटाइज नहीं कर सकता, वरना आप यहाँ पे क्लिक करके इजीली अपनी वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम फेसबुक पे वीडियो को मोनेटाइज कर सकते हैं और फेसबुक पेज के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।